तालाब में विधायक ने स्नान घाट का किया उद्घाटन। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड के वीरपुर गांव स्थित दिग्या के तालाब में बने स्नान घाट का स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 8 लाख की लागत से इस स्नान घाट का निर्माण किया गया है। इस दौरान मौके पर भाजपा नेता पूनम झा, संजय कुमार महतो, राधेश्याम चौधरी, अशोक पासवान, हरिश्चंद शर्मा, उदय शर्मा सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि वीरपुर गांव स्थित इस तालाब में वर्षों से स्नान घाट की मांग लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लोगों की मांग को देखते हुए अपने ऐच्छिक कोष मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से इस स्नान घाट का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के विकास के प्रति संकल्पित है। वहीं पूरे खजौली विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास किया जा रहा है। मधुबनी से राजीव कुमार झा। आज मुख्य रूप से 25 दिसंबर प्रधानमंत्री जी के मन की बात का भी दिन था और अटल जी के जन्मदिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न देश रत्न जो जिनका आज जन्मतिथि था उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से वीरपुर पंचायत के इस दिघिया तालाब में घाट निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, उसका आज शुभारंभ करके ये जनता को समर्पित कर रहे हैं ताकि इस पर अब सभी लोग अपना स्नान वगैरह छठ पर्व सब कर सकेंगे। ये जनहित के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और यहाँ के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का ये मांग रहा है कि यहाँ एक ये बड़े तालाब है और इस तालाब पर एक स्नान घाट बढ़िया बनना चाहिए और आज एक बढ़िया स्नान घाट बनकर तैयार हुआ है। ये जनता के नाम समर्पित है।